सभी को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं जयंत पटनायक। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि मुझे कमेंट बॉक्स में भी कई बार दोस्तों ने पूछा है, किसी खास ताल जैसे झप ताल, दीप चंदी या धमार ताल, ऐसे उन पे हमें तिहाइयां या लगियां बताएं। तो मैं आपको जो टेक्निक बताने वाला हूं, उससे आप किसी भी सर्कल में, चाहे वो 9 का सर्कल हो, 10 का सर्कल हो, 11 का सर्कल हो या 24 का हो या कोई भी बीट हो, उसमें आप तिहाई बना सकते हैं। तो आज का लेसन है अपनी तिहाइयां कैसे बनाएं। तो आइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण ताल है तीन ताल। अब 16 मात्रा की ताल है। अब अगर हम इसमें तिहाई बनाना चाहते हैं तो 17 पे सम आएगा। 16 को तीन भाग में डिवाइड करेंगे, 6 6 6, 18 मात्रा हो गए। 18 में से एक मात्रा निकाल दीजिए, 17 मात्रा चाहिए हमें। मैं आपसे एक पूरा रूल डिस्कस कर रहा हूं, तो मैं अपने माइंड की जो भी सीक्रेट बातें हैं वो आपसे शेयर करूंगा। 16 की तिहाई बनाने के लिए अगर हम 6 6 की तिहाई बनाएं, 6 और 6 और 6, तो ये 18 मात्रा बन जाती है। बट हमें एक मात्रा कम चाहिए, क्योंकि 17 पे हमें सम दिखाना है। 16 का आवर्तन होने के बाद 17 पे पहली बीट पे सम आना चाहिए, धा आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 6 में से आधी मात्रा निकालनी पड़ेगी, तो 5.5 हो गया। और दूसरे 6 में से भी हमें आधी मात्रा निकालनी पड़ेगी, 5.5 5.5 5.5। तो अगर हम 5.5 की तिहाई बनाएंगे, 2 बार 5.5 निकालेंगे, तो तीसरी बार वो सम पे जाके 17 पे गिरेगा। इसको अगर आसान शब्दों में देखें तो 6 6 में 18 मात्रा बनती है और एक मात्रा हमें निकालनी है। एक को अगर हम दो भागों में बांटें तो आधी आधी मात्रा जाती है, तो हम आधी दो वर्तनों में आधी आधी मात्रा कम कर देंगे, तो हमें तिहाई बनानी पड़ेगी 5.5 मात्रा की। जैसे बनेगा 1 2 3 4 5 एंड हाफ, 1 2 3 4 5 एंड हाफ, 1 2 3 4 5 एंड धा। तो ये सम पे गिरेगा। मेरे साथ 16 मात्राएं गिनी है, 16 के बाद धा पहले सम पे आएगा। स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 एंड हाफ, 1 2 3 4 5 एंड हाफ, 1 2 3 4 5 एंड धा। तो ये सम पे आएगा। अब 5.5 पे हम कोई भी बोल फिट कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 स्टार्ट, धान धाती धागे ना धाती धागे तिन्ना किन्ना, धान धान धा धान धाती धागे धाती धागे तिन्ना किन्ना, धान धान धा धान धाती धागे ना धाती धागे तिन्ना किन, धान धान धा। तो ये 16 मात्रा की एक बहुत ही सिंपल सी और खूबसूरत तिहाई बन गई। स्टार्टिंग से देखते हैं, 1 2 3 स्टार्ट, धान धाती धागे ना धाती धागे तिन्ना किन्ना, धान धान धा धान धाती धागे ना धाती धागे तिन्ना किन्ना, धान धान धा धान धाती धागे ना धाती धागे तिन्ना किन, धान धान धा। दो वर्तनों की तिहाई बनानी है तो बहुत ही सिंपल है, 32 मात्राएं और एक मात्रा 33 मात्राएं, तो टोटल 33 मात्राएं हैं। इनको तीन में डिवाइड कीजिए, कितना हो गया, 11 11 11। तो सिंपल आपको 11 मात्राएं गिननी है, तो वो सम पे आके उसका धा गिरेगा, ठीक है। तो मैं 10 मात्राएं पूरी गिनूंगा, उसके बाद 11वीं मात्राओं को धा गिनूंगा। तो देखते हैं तिहाई कैसे बनती है, आप मेरे साथ पूरी काउंटिंग कीजिए। 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धा। ये तीन ताल के दो वर्तनों की तिहाई हो गई। एक बार दोबारा से देखते हैं, 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धा। ये 32 मात्राओं यानी कि तीन ताल के दो वर्तनों की तिहाई हो गई। अब इनमें आप कोई भी बोल बिठा सकते हो, उनको किस प्रकार से बिठाना है ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। तो आइए इनमें कुछ बोल ट्राई करते हैं। धान धाती धागे ना धाती धागे तिन्ना किन्ना, धान धान धा धान धाती धागे ना धाती धागे तिन्ना किन, धान धान धा धान धाती धागे ना धाती धागे तिन्ना किन्ना, धान धान धा। तो अब एक और तिहाई बना लेते हैं इनमें, 1 2 3 सा, धान धाटी धागे ना धाटी धागे तिना के ना धाटी धागे तिना के ना धा तिना के ना धा तिना के ना धा, धान धाटी धागे ना धाटी धागे तिना के ना धाटी धागे तिना के ना धा तिना के ना धा तिना के ना धा, धान धाटी धागे ना धाटी धागे तिना के ना धाटी धागे तिना के ना धा तिना के ना धा तिना के ना धा।
तो ये 32 की यानी कि भीम ताल के दो वर्तनों की पूरी तिहाई हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा मुश्किल बनाते हैं, जैसे कि 14 मात्राएं हो गई, धमार ताल और भी कई ताले हैं 14 बीट्स में। तो अब 14 मात्राओं की अगर हमें तिहाई बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे? तो 14 मात्राओं के बाद एक सम को ऐड कर दीजिए तो टोटल 15 बीट्स हो गई, 15 मात्राएं हो गई। 15 मात्राओं को 3 में डिवाइड कर दीजिए, 5 5 5। तो अगर हम 5 5 की तिहाई बनाएंगे तो वो 14 मात्राओं में पूरी आएगी। तो आइए एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 धा। अब इनमें हम कोई बोल बिठाएंगे तो वो धमार ताल या दीपचंदी ताल 14 मात्राओं की जो भी ताल है उसकी तिहाई बन जाएगी। 1 2 3 सा धा न धागे न धागे तीना किन्ना धा, कर धाती धागे न धागे तीना किन्ना धा, तेरे कर तक धागे न धागे तीना किन्ना धा। 5 5 के बोल हैं, 1 2 3 सा धा न धागे न धागे तीना किन्ना धा, कर धाती धागे न धागे तीना किन्ना धा, तेरे कर तक धागे न धागे तीना किन्ना धा। तो ये 14 मात्राओं की एक सिंपल सी तिहाई होगी। और इसके बाद कोई और एक तिहाई बना लेते हैं, अगली तिहाई है 1 2 3 सा धान धकिट धाति धा धाति धा धाति धा, कृधा धकिट धाति धा धाति धा धाति धा, कृधा धकिट धाति धा धाति धा धाति धा। फिर से एक बार देखते हैं, 1 2 3 सा धान धकिट धाति धा धाति धा धाति धा, कृधा धकिट धाति धा धाति धा धाति धा, तान धकिट धाति धा धाति धा धाति धा। तो ये हो गया 14 मात्राओं के एक आवर्तन की तिहाई। इसके बाद अगर 14 मात्राओं के दो आवर्तन हैं, 14 14 28 हो गए और 29 सम हो गया। 29 को हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ट्रिकी है। अब 30 अगर 30 मात्राएं होती तो हमें 10 10 में डिवाइड करते, सिंपल सी बात है। तो हम 30 में से एक हमें कम चाहिए तो हम 9.5 9.5 में डिवाइड करेंगे और 9.5 पे तीसरा सम आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड हाफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड हाफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड हाफ। तो ये सम पे आगे गिरेगा। फिर से एक बार देखते हैं, आप मेरे साथ 14 मात्राओं का पूरा दो आवर्तन गिनिए। आइए, 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड हाफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड हाफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड हाफ। हाफ पे मतलब धा आया है, 9.5 पे समाया है। तो अब इसमें अगर बोल ऐड करेंगे हम, ये 14 मात्राओं के दो आवर्तन हैं, यानी कि 28 के बाद एक 29 वाला सम, 29 के हमने 3 हिस्से किए, 9.5 9.5 और 9.5 तीसरे 9.5 पे समाएगा, ठीक है। तो आइए अब इसमें बोल ऐड करके देखते हैं। अब एक मैं और एक ट्रिक शेयर कर रहा हूँ आपसे। अब जैसे एंड हाफ वाला है, जब 9.5 गिनना है, 9 एंड हाफ में मैं गिनूंगा धा धा धा, तो वो एक तिहाई को जब हम एंड में सम दिखाएंगे उसके लिए धा धा धा, तो वो एक बहुत अच्छा सुनने में लगेगा। तो एंडिंग मेरी बन चुकी है, अब मैं स्टार्टिंग वाला पोर्शन बनाऊंगा। वही सेम बोल हैं, जो भी आपके कॉमन बोल हैं जो आप रेगुलर बजाते हैं उनमें से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे धान धाटी धागे न धाटी धागे तिना किन्ना, कर धाती धागे न धाटी धागे तिना किन्ना धाटी धा धा धा। तो मैंने 8 बोल पूरे लिए, उसके बाद धा 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 लगा दिया, 9.5 बन गई मात्रा। 1 2 3 स्टा धान धाटी धागे न धाटी धागे तिना किन्ना, कर धाती धागे न धाटी धागे तिना किन्ना धाटी धा धा धा। उसके बाद हमें गैप नहीं लेना है, हमें 9.5 से ही, जैसे मात्राएं चल रही हैं हमें उल्टे से ही उठाना है, बीच में बिल्कुल दम नहीं लेना है। इसको बेदम भी बोल सकते हैं, बेदम तिहाई इन्हीं को बोलते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं, 1 2 3 सा धा न धाटी धागे न धाटी धागे तिना किन्ना, कर धाती धागे न धाटी धागे तिना किन्ना धाटी धा धा धा, धा न धाटी धागे न धाटी धागे तिना किन्ना, कर धाती धागे न धाटी धागे तिना किन्ना धाटी धा धा धा, धा न धाटी धागे न धागे तिना धागे धागे धाटी धागे तिना किन्ना धाटी धा धा धा। तो ये 14 के दो वर्तनों की तिहाई हो गई। एक बार फिर से देखते हैं, 1 2 3 सा धान धाटी धागे न धागे तिना किन्ना धागे तिना कर धाटी धागे धागे तिना किन्ना धाटी धा धा धा, धान धाटी धागे न धाटी धागे तिना किन्ना कर धाटी धागे धाटी धागे तिना किन्ना धाटी धा धा धा, धान धाटी धागे न धागे तिना धागे कर धाटी धागे न धाटी धागे तिना किन्ना धाटी धा धा धा। तो ये सम पे आगे गिरेगा। अब ये हो गया 14 मात्राओं के अगर हमने दो आवर्तन बजाए, तो ये दो आवर्तनों की चक्करदार तिहाई हो गई। अब ये तो हो गई 14 मात्राओं की ताल। अब अगर इसके बाद हम आते हैं सवारी ताल पे, 15 मात्रा 13 मात्रा 11 मात्रा, तो उसको हम कैसे बजाएंगे?
तो सबसे पहले देखते हैं 15 मात्रा। अब 15 मात्रा में एक मात्रा ऐड करेंगे तो 16 मात्राएं हो गई, यानी कि हमें 16 पे सम दिखाना है। तो 15 को तीन भाग में डिवाइड करेंगे तो 5-5-5 का समूह बनता है। तो अगर हम 15 मात्राओं में 5-5 की तिहाई बनाएं तो वो 15वें पे आके गिरेगी, वो 16वें पे आके नहीं गिरेगी। अगर हम 5.5 की बनाते हैं तो वो एक मात्रा बढ़ जाएगी उसमें, मतलब वो 16 मात्रा की तिहाई हो जाएगी, जब हमने पहले डिस्कस किया था 16 मात्रा की तिहाई। और अगर हम दूसरी बनाते हैं तो वो 14 मात्रा की बनती है। तो अगर हम इसको 15 में बिठाना चाहते हैं तो हम एक अलग टेक्निक यूज़ करेंगे और उसमें हम 5-5 की तिहाई बनाएंगे और जो गैप है उसको एक अलग तरीके का गैप देंगे, जिसको हम मैं काउंट करता हूँ 1-2 के नाम से। वो आधी मात्रा का गैप होता है, यानी कि बेदम गैप भी नहीं है और दमदार भी नहीं है, वो दोनों के बीच वाला गैप है, यानी कि आधी बीट का गैप है। एक पूरी बीट, जब हम एक पूरी मात्रा छोड़ते हैं उसका आधा ही हमें गैप लेना है। उससे क्या होगा, 5 मात्राओं के बाद आधी मात्रा ऐड हो जाएगी, फिर अगली 5 मात्राओं के बाद आधी मात्रा ऐड हो जाएगी। तो कितने हो गए, 11, 5.5 हो गए और उसके बाद 5 मात्राओं की तिहाई बची जो कि हमें सम पे लाके छोड़ देगी। समझे, 11 में 5 मात्राएं जोड़ी तो 16 मात्राएं बनती हैं, 16वें पे हमारा सम आता है। 15 मात्राएं गिने और मैं तिहाई बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। और गैप लेना है 1-2 का। आइए स्टार्ट करते हैं, 1-2-3 स्टार्ट। 1-2-3-4-5 1-2-1-2-3-4-5 1-2-1-2-3-4-10। तो ये 5-5 की तिहाई हो गई और गैप हो गया 1-2 का, यानी कि आधी मात्रा का गैप है और उसको हम 1-2 गिन सकते हैं कि वो गिनना आसान होता है। जैसे मैंने एक पहली वीडियो में बताया था एंड हाफ, वैसे ही 1-2 है। जैसे एंड हाफ दो मात्राएं हैं, वैसे ही 1-2 दो मात्राएं हैं, उसको हम डबल बीट पे गिन रहे हैं। अब तिहाई के बोल ऐड करते हैं, 15 मात्रा की तिहाई है, कुछ भी बोल आप ऐड कर सकते हैं, मैं कुछ बना रहा हूँ अपनी तरफ से। अब मान लीजिए कुछ भी 5 बोल हैं, धाती धागे तिन्ना किन्ना धा, ये 5 बोल हैं। धाती धागे तिन्ना किन्ना धा, 1-2 धाती धागे तिन्ना किन्ना धा, 1-2 धाती धा तिन्ना किन्ना धा। तो ये 5 बोल हैं और 15 की तिहाई बन गई। मेरे साथ गिनिए, 1-2-3 स्टार्ट। धाती धागे तिन्ना किन्ना धा, 1-2 धाती धागे तिन्ना किन्ना धा, 1-2 धाती धा तिन्ना किन्ना धा। 15 मात्रा हो गई। तो इसी प्रकार अगर 15 का हम डबल करते हैं, यानी कि दो वर्तन का बनाते हैं, तो 30 मात्राएं हो गई, उसके बाद 31 पे सम आएगा। तो हम 10 मात्राएं पूरी गिनेंगे, उसके बाद 1-2 का गैप लेंगे और हमारी तिहाई सम पे आएगी। तो आइए देखते हैं, 1-2-3 स्टार्ट। 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 एंड हाफ। 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 एक तो 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 सम पे, जो 10वीं मात्राएं धा होगा वो सम पे आएगा। तो मेरे साथ गिनिए, 1-2-3 स्टार्ट। 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 तो ये सम पे आया। अब 10-10 के बोल बना लेते हैं। 1-2-3 सा धान धाटी धागे ना धाटी धागे तेना के ना धा धाटी धागे तेना के ना धा धाटी धागे तेना के ना धा 1-2 धान धाटी धागे ना धाटी धागे तेना धा धाटी धागे तेना के ना धा धाटी धागे तेना के ना धा 1-2 धान धाटी धागे तेना के ना धा धाटी धागे तेना धा धाटी धागे तेना के ना धा। ये 15 मात्रा के दो वर्तनों की तिहाई हो गई। तो आइए मेरे साथ गिनो, 1-2-3 सा धान धाटी धागे ना धाटी धागे तेना के ना धा धाटी धागे तेना के ना धा धाटी धागे तेना के ना धा 1-2 धान धाटी धागे ना धाटी धागे तेना के ना धा तेना के ना धा धाटी धागे तेना के ना धा 1-2 धान धाटी धागे ना धाटी धागे तेना के ना धा धाटी धागे तेना के ना धा धाटी धागे तेना के ना धा धान धाटी धागे ना 1-2-3 सा धान धाटी धागे ना धाटी धागे तेना के ना धा धाटी धागे तेना के ना धा धाटी धागे तेना के ना धा धान धाटी धागे ना धाटी धागे तेना के ना धा धाटी धागे तेना के ना धा धाटी धागे तेना के ना धा 1-2 धान धाटी धागे ना धाटी धागे तेना के ना धा धाटी धागे तेना के ना धा धाटी धागे तेना के ना। तो ये टेक्निक है तिहाइयाँ बनाने की। आप इसी टेक्निक के साथ जितनी चाहें उतनी तिहाइयाँ बना सकते हैं। अपने बोल विकसित कीजिए, अपने बोल बनाइए, अपने हिसाब से बोलों को जोड़िए। तिहाई का डिज़ाइन कैसे करना है आप वैसे भी बना सकते हैं। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में मुझे बताइए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपको शो हो सके।
और लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आई है। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियोस बनाता रहूं। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज का लेसन कैसा लगा और आगे मैं किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।